हाई एवरी वन दिस इज़ वरानिंग आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एक नया रेलवे लिंक जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है इस रेलवे लिंक ये जो ट्रेन है इसको नाम दिया गया है मितली एक्सप्रेस और ये एक पैसेंजर ट्रेन है तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि किस स्टेशन से कहाँ तक मितली एक्सप्रेस जाएगी और इससे पहले कौन सी ट्रेन्स जो हैं वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलती हैं अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं डाउट्स के लिए बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं सबके एड्रेसेस यहाँ दिए हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ओके दिस इज़ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ट्विटर कहीं पे भी और टेलीग्राम पे ही आपको मेरा जो पी है इस लेक्चर का वो मिलेगा तो चलिए देखते हैं आगे डिस्कशन शुरू करते हैं देखिए जो रेलवे लिंक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो ब्रिटिश इरा से चल रहे हैं ब्रिटिश ईरा से जो रेलवे रिंग्स लिंक्स जो बिछे थे वो अभी तक चल रहे हैं लेकिन अगर हम पार्टीशन के बाद देखें 1947 के बाद तो सेवन रेल लिंक्स जो थे वो इंडिया और तब बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था देन ईस्ट पाकिस्तान के बीच में सात रेलवे लिंक्स थे लेकिन 1965 के बाद कुछ लिंक्स जो हैं वो बंद कर दिए गए अब जो ये मिताली एक्सप्रेस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये थर्ड पैसेंजर ट्रेन है इससे पहले आपकी दो पैसेंजर ट्रेन और चलती हैं एक है मैत्री एक्सप्रेस एक है बंधन एक्सप्रेस मैत्री जो है ये याद रखिए ढाका और कोलकाता के बीच में चलती है बंधन एक्सप्रेस जो है वो खुलना और कोलकाता के बीच में चलती है खुलना जो है ये बांग्लादेश साइड पे है और कोलकाता ऑब्वियसली इंडिया और ढाका और कोलकाता ये याद रखिए मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ये देखिए ये है आपकी मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता बताया मैंने आपको तो देखिए ये कोलकाता के चितपुर स्टेशन से चलती है और ढाका कैंटोनमेंट स्टेशन तक जाती है तो ये आपकी आ गया कोलकाता से ढाका दिस इज योर मैत्री एक्सप्रेस तो याद रखिएगा ये फर्स्ट पहला पैसेंजर ट्रेन है फिर आपकी बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता चलती है तो कोलकाता देखिए यहाँ पर यह आपके इंडियन साइड पे और खुलना आपकी बांग्लादेश साइड पर यह यहाँ से चलती है तो ये दो पैसेंजर ट्रेन हमारी पहले चल रही थी और अब आई हाँ है हमारी मिताली एक्सप्रेस इसको मैं आपको आगे जो है मैप पे दिखाती हूँ बट एक बार देख लीजिए ये जो नई पैसेंजर ट्रेन है ये ढाका को किस जगह से कनेक्ट करती है न्यू जलपागुरी अब इसको कैसे प्रनाउंस करते हैं जगहों की प्रोनान्िएशन हर जगह जगह की अलग होती है न्यू जलपैगुरी जो कि इंडियन साइड पे है तो ये ढाका को न्यू जलपैगुरी से कनेक्ट करती है और ये अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेशी बांग्लादेश विजिट पर गए हैं तब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इसको इनागोरेट किया गया है तो ये इंटर कंट्री पैसेंजर ट्रेन होगी जिसको बंगा बंधु बंधु बंगा बंधु शेख रहमान की बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर ये इनागोरेट किया गया और इनफैक्ट जो विजिट थी हमारी इस बार बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे पे उस पर इसको इनागोरेट किया गया है तो चलिए जो अभी जो ट्रेन है उसको मैप पर भी देखते हैं कैसे वो चलेगी ये ट्रेन ढाका कैंटोनमेंट एरिया जो स्टेशन आपने ढाका कैंटोनमेंट वाला देखा वहां से चलेगी न्यू जलपैगुरी इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में ये आपका स्टेशन है जहां तक ये चलेगी और किस रास्ते से होते हुए जाएगी चिलहटी वाले चिल्हटी वाला जो रास्ता है क्योंकि चिल्लाटी अगर आपको याद हो हमारी पहले एक गुड्स की ट्रेन गुड्स एंड सर्विसेज़ वाली ट्रेन हल्दीबारी टू चल्हाटी चलती थी जिसको बंद कर दिया गया था लेकिन लास्ट ईयर उसको फिर से रीओपन किया गया तो इसका रूट भी सेम वही रहेगा वो वाला दिखा देती हूँ मैं आपको रूट देखिए ये रूट था हमारा कोलकाता से हल्दीबारी वाला रूट और यहाँ से फिर हम चिल्हाटी जो बांग्लादेश है वहाँ पे जाते थे तो ये सेम रूट ही अपनाएगी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज वाली ट्रेन जो पहले हमारी चलती थी हल्दीबारी टू चिल्हाटी वही वाला रूट अब ये वाली जो मिताली एक्सप्रेस है कोलकाता से निकलते हुए ये वही रूट जो है वो अपनाएगी हल्दीबारी और चिल्हाटी वाला रूट ओके तो चलिए अभी तो फिलहाल मैं आपको यही दिखाती हूँ जो अभी आ, मिताली एक्सप्रेस है तो द डिस्टेंस बिटवीन ढाका एंड चिल्हाटी ढाका एंड चिल्हाटी का डिस्टेंस जो है यह है आपका 453 किलोमीटर ये स्क्रीनशॉट मैंने गूगल मैप से लिया है क्योंकि हो सकता है रेलवे लिंक जो है वो थोड़ा आगे पीछे से हो बट दिस इज़ द डायरेक्ट रूट जो आपको गूगल मैप्स पे दिखाएंगे और उसके बाद चिल्हाटी से जो न्यू जलपैगुरी का डिस्टेंस है वो है सेवेंटी किलोमीटर ओके okay, तो ये डिस्टेंस कवर होगा और अब आपको जो मैंने पुराना मैप दिखाया कि कोलकाता से हल्दीबारी तक जो आती थी वो भी ये हल्दीबारी यहीं पे है कहीं पे और यहाँ से चिल्हाटी तक आपकी पुरानी ट्रेन चलती थी जिसको रीओपन लास्ट ईयर किया गया था तो वो फिफ्थ ट्रेन थी चिल्हाटी और हल्दीबारी वाला जिसको लास्ट ईयर ओपन किया गया उस हिसाब से जो मिताली एक्सप्रेस है ये हमारा सिक्स्थ रेल लिंक जो है वो होना चाहिए अब ये ट्रेन जो है ये बाई वीकली चलेगी इसमें दस कोचेस हैं ये मिताली एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं जिसको अभी इनागोरेट किया गया है इसमें दस कोचेज हैं चार आपके एसी सी कैबिन्स हैं चार आपके एसी सी चेयर्स हैं उसके बाद में टू पावर कार ब्रेक वैन्स भी इस ट्रेन में हैं और यहाँ पे टूरिज्म को दोनों देशों के बीच का जो टूरिज़्म है उसको बोस्ट बहुत बूस्ट मिलेगा और देखिए कब कब चलेगी डेज़ कौन से हैं द ट्रेन विल रन फ्रॉम न्यू जलपागुड़ी टू ढाका मतलब इंडिया से बांग्लादेश जो है ढाका कैंटोनमेंट संडे और वेडनेसडे को चलेगी और ढाका बांग्लादेश से इंडिया जो है मंडे और थर्सडे को चलेगी तो अलग अलग दिन इसके रखे हैं ये याद रखिए इंडिया से बांग्लादेश जो है जलपैगुरी से ढाका संडे टू वेडनेसडे और ढाका कैंटोनमेंट से आप देख सकते हैं आ, इंडिया को कब आएगी मंडे और थर्सडे राइट right? लास्ट ईयर जो मैं आपको हल्दीबारी वाली ट्रेन के बारे में बताया उसी के बारे में लिखा है कि इंडिया बांग्लादेश ने अपने ऑपरेशन रिज्यूम किए थे हल्दीबारी और चिल्हाटी रूट्स पे गुड्स ट्रेन थी 55 फाइव ईयर्स के बाद ये रेल लिंक ओपन किया गया था और इससे पहले हमारे चार और रेल लिंक थे जो दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करते थे ये गुड्स एंड ट्रेन्स की बात हो रही है ओके वैसे तो हमारी तीन पैसेंजर ट्रेन जो आपकी चलती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो हल्दीबारी और चिल्हाटी है वो आपका फिफ्थ रेल लिंक है तो पहले जो चलते थे पित्रा पोले तो बेनापोले पोले गेड़े तो दर्शना सिंगाबाद टू तो रोहनापुर राधिकापुर टू तो बिरौल ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज के पहले चार लिंक चलते थे और अब आपका ये हल्दीबारी वाला शुरू किया लास्ट ईयर और हमारी तीन पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं अब हल्दीबारी और चिल्हाटी जो है बांग्लादेश में इसको 55 फाइव ईयर्स के बाद इनको ओपन किया गया दिसंबर 17 को लास्ट ईयर और ये मैप में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ ये आप देख चुके हैं अब देखिए इन चीज़ों का एडवांटेज क्या है रेल लिंक जो है ओब्वियसली ये जो ट्रांज़िट है जो लोग असम से जाना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ायदे में रहेगा वो इजीली वेस्ट असम और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जा सकते हैं ट्रांसिट बांग्लादेश का आसान रहेगा उसके बाद जो रेल नेटवर्क एक्सेस है काफ़ी सारे पोर्ट्स क्योंकि आसपास हैं लैंड बॉर्डर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज को कैरी करना बहुत आसान हो जाएगा इससे रीजनल ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में इम्प्रूव होगा टूरिज्म इम्प्रूव होगा और इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टैक्ट हैं जो दोनों देशों के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे अब दोनों देशों के आम लोग और बिज़नेसमैन कंट्रीज़ में ईज़िली एक दूसरे देशों से जो भी फ़ायदा उठाना है गुड्स को लेकर पैसेंजर ट्राफिक को लेकर वो उठा पाएंगे और इस लिंक जब ये लिंक शुरू हो जाएगा तो जो टूरिज़म है हमारे इंडिया के आगे पीछे वाले एरिया में जैसे दार्जिलिंग हो गया सिक्किम हो गया नेपाल भी जा सकते हैं भूटान भी जा सकते हैं तो इन एरिया की कनेक्टिविटी और टूरिज़म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और डेफ़िनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के इस नए रेल रेल लिंक से उनको बेनिफिट मिलेगा आई होप वी आर क्लियर गुड्स एंड सर्विसेज में हमने देखा चार लिंक पहले थे फिफ्थ लिंक जो है हल्दीबारी जो चिल्हाटी जो है वो लास्ट ईयर शुरू किया गया अब मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है जो कि थर्ड पैसेंजर ट्रेन है जो कि सेम आप देखेंगे चिल्हाटी हल्दीबाड़ी वाले रूट पे चलेगी न्यू जलपागुरी को ढाका कैंटोनमेंट एरिया से कनेक्ट करेगी जो कि मैंने आपको मैप पे सारे लिंक्स दिखाएँ पहले आपकी मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस चलती थी बहुत बार रिवाइज़ कर दिया आई होप इस वीडियो में ही आपको याद हो गया होगा कौन कौन सी ट्रेन कौन से रूट्स पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं कोई भी आपकी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए अप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए वहां पे सारी जानकारी कोर्सेज के बारे में आपको मिलेगी थैंक यू सो मच